हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का बच्चों पांचवा लेक्चर पढ़ते हैं। और इस पांचवे लेक्चर में बच्चों अपन इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि दो लेक्चर में इम्यूनिटी पूरा ख़त्म हो जाए, कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी होती क्या है। जो आपको बीमारियों से बचाता है उसे ही अपन इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं। मतलब फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो आपको बीमारियों से बचाता है बच्चों उसी को अपन इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी आती कहाँ से है? तो इम्यूनिटी आती है बच्चों इम्यून सिस्टम से। इम्यूनिटी आती कहाँ से है बच्चों? तो इम्यूनिटी आती है इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से। ठीक है, इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक को अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं और दूसरे को अपन इनेट इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं बच्चों। तो जो इम्यूनिटी होती है बच्चों ये दो तरीके की होती है। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक को अपन एक्वायर्ड के नाम से पुकारते हैं तो दूसरे को अपन इनेट इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो पहला इनेट इम्यूनिटी, तो बच्चों दूसरा अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से पुकारा जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से पुकारेंगे। आइए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इनेट और एक्वायर्ड में क्या अंतर है बच्चों। जो बाई बर्थ ही प्रजेंट है, जो बाई बर्थ ही प्रजेंट होता है उसे एक्वायर्ड कहते हैं। और जो आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी मिलती है आपको, जो बर्थ के बाद इम्यूनिटी मिलती है उसे एक्वायर्ड कहते हैं। और जो बाई बर्थ ही इम्यूनिटी रहती है उसे इनेट कहते हैं। और इनेट इम्यूनिटी बच्चों नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बच्चों ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए बच्चों जो भी इंसान पैदा होता है इस धरती पे आता है तो क्या उसके पास स्किन प्रेजेंट रहता है? बिल्कुल रहता है। क्या उसके पास सलाइबा प्रेजेंट रहता है? बिल्कुल प्रेजेंट रहता है बच्चों। तो ये जो स्किन है ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। और जब कोई भी पैथोजन आपके बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो इसी स्किन को पेनिट्रेट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों कि मान के चलिए कि कोई बैक्टीरियल पैथोजन अटैक किया फिर भी स्किन बचाएगा, वायरल उसको भी स्किन बचाएगा, प्रोटोजोन जो भी पैथोजन अटैक करेगा उसको स्किन बचाएगा। मतलब स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है इनेट। लेकिन अगर आपने पोलियो का ड्रॉप पिया है तो अगर सॉरी थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपने पोलियो वाला ड्रॉप पिया है बच्चों, अगर आपके बॉडी के ऊपर पोलियो वायरस अटैक करेगा तो वो जो ड्रॉप है, वो जो इम्यूनिटी है पोलियो वाली, वो केवल पोलियो वायरस से ही बचाएगा बच्चों। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपने पोलियो का ड्रॉप पिया है तो वो इम्यूनिटी केवल पोलियो से बचाएगी। अगर चिकन पॉक्स वाला वायरस अटैक करेगा तो वो आपको नहीं बचाएगी। मतलब ये स्पेसिफिक है। और ये आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी आती है, बिफोर बर्थ नहीं आती है बच्चों। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले अपन इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं बच्चों और फिर किसकी बात करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो इससे पहले नोट करो,